कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं लोडेड ओपन सैंडविचेस। तो हमने यहाँ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं कुछ। हमने सॉल्ट एंड पेपर लिया है, हमने मार्जरीन लिया है और हमने ली है क्रीम, एक फुल पैकेट क्रीम की आपको यहाँ यूज़ करनी है। कुछ ब्रेड लेने हैं आपको और आपको लेना है कॉर्न्स, स्वीट कॉर्न्स का आप पूरा कैन यूज़ कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर लिया है कैरेट, जो भी हमने कद्दूकश कर लिया है। और हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। इस रेसिपी में दो चीज़ों की कमी है, एक तो लीमू की और दूसरा चीज़ की। ये दोनों चीज़ें हम नहीं ले सके लॉकडाउन की वजह से। और ये रेसिपी हम 13 से 14 साल तक हम बनाते आए हैं और ये हम दुबई में बनाते थे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब बनाना। हमने एक पैन में 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डाला है और हम इसको थोड़ी देर के लिए हीट करेंगे और आपने इसे मीडियम फ्लेम पर करना है। अब आप इसमें डालेंगे कैरेट्स जो आपने कद्दूकश किए थे, ये आपने सिर्फ सौते करना है, आपने इसे दरमियानी कुक करना है, ना ज़्यादा कुक करना है ना कम कुक करना है, ना इसे कच्चा छोड़ना है ना इसे ज़्यादा ओवर कुक करना है, आपने इसे दरमियानी कुक करना है। शॉकिंगली हमने इसमें सिर्फ 2 वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं, एक तो कैरेट्स यूज़ किया है और एक स्वीट कॉर्न्स यूज़ किए हैं इसमें। ये चीज़ें आप, ये सैंडविचेस तो आप आराम से बना सकते हैं लॉकडाउन के टाइम पर, बहुत ही ईजी हैं। अब हमने इसमें कॉर्न्स डालने हैं, पूरा कैन हमने कॉर्न्स का डालना है जो कि 1 कप है। और इसे आपने अच्छे से पकाना है, लाइक आपने इसे सौते करना है अच्छे से। ये देखें हमने 2-3 मिनट तक इसे सौते किया है, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसको दरमियानी ही कुक करना है। जितनी क्वांटिटी हमने आपको बताई है उस हिसाब से 12 ओपन सैंडविचेस आराम से आपके बन जाएंगे 6 सर्विंग्स के हिसाब से। अब आप इसमें सॉल्ट एंड पेपर डालेंगे। ये देखें सॉल्ट हस्ब जायका है और पेपर अपने, हमने 1 टीस्पून डाला है पेपर। अच्छे से इसको सॉटे करें, कच्चा ना हो, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं छोड़ना है और इसे ज़्यादा कुक भी नहीं करना है। जैसे ही ये अच्छे से सौते हो जाता है आपने इसे एक बाउल में निकाल देना है और अच्छे से इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। जैसे ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है इसमें फिर आपने क्रीम ऐड करनी है। ये देखिए हम क्रीम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि लीमू भी इसमें डालना था हमें, क्रीम से पहले हमें लीमू के कुछ ड्रॉप्स डालने थे इसमें, जो लीमू हमें नहीं मिल सका तो हमने नहीं डाला। उससे बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ता है रेसिपी में, वो डालने से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ऐसे भी मज़ेदार बनेंगे लेकिन वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये रेसिपी का, तो वो भी आपने डालना है। अब देखिए हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, पूरा पैकेट जो है ये मिल्क आप देख रहे हैं जो क्रीम का पूरा पैकेट, ये फुल पैकेट आपने इसमें डालना है।